hello everyone assalamualaikum alaikum welcome to my channel study guide by sma hope you all are fine and doing great today i'm here with another very important interesting video that is which is the best method for drying of crystals during crystallization product This question of books may be here बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आता है सो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए छोटी सी सो so बेसिकली अगर आपके पास क्रिस्टल्स आपने किसी भी कोई रिएक्शन किया है या जनरली आप क्रूड प्रोडक्ट से क्रिस्टल्स बना रहे हैं और आप अगर उसको फ़िल्टर पेपर पे ड्राई करेंगे तो उससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट होने का बहुत खतरा होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने फ़िल्टर पेपर पे रखा कोई पास गुजरे हवा लगी कोई प्रोडक्ट आपका उड़ गया थोड़ा सा फ़ैन ऑन है उसकी वजह से सो द बेस्ट मेथड फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इज़ थ्रू वैक्यूम डेजिकेटर इन दिस वीडियो एज़ यू कैन सी वैक्यूम डेजिकेटर ये आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत हैवी लिड जो है ये अपरेटर्स है ग्लास का ये अपरेटस है ठीक है और इसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल सा ऑपरेटर्स है जस्ट इसको वैक्यूम डेजिकेटर इसलिए बोलते हैं कि आप देखें कि इसका लिड इतना हैवी है कि जब हम उसको कवर करते हैं तो एक बिल्कुल वैक्यूम अंदर क्रिएट हो जाता है और उसमें हम लोग ड्राई अब बात यह है कि इस तरह से ये ड्राई कैसे हो रहा है सो so बेसिकली ये है कि आप इसकी अगर बॉटम में बिल्कुल देखें तो बिल्कुल एंड में एक डिस्क सी पड़ी हुई है जिसके नीचे कुछ बीड्स पड़े हुए हैं सो हम वहाँ पर कोई ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं uh, ड्राइंग एजेंट नीचे स्प्रेड करने के बाद उस डिस्क के ऊपर हम लोग अपना जो भी क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट है उसको रख देते हैं और एक दिन आप रखें नेक्स्ट डे आप आएँ और आपके पास प्योर एंड ड्राइड क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे ठीक है फ़िल्टर पेपर पे क्रिस्टल को ड्राई करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है एक तो आपने इतनी मेहनत से क्रिस्टलाइजेशन की क्रिस्टल्स बनाए और फिर उसके बाद आप उसको फ़िल्टर पेपर पे रख रहे हैं एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट आपका फ़िल्टर पेपर के साथ ही चिपक जाता है सो so, इसका लिड आप देख सकते हैं कि कितना हैवी है मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अंदर रखे हुए हैं लिड को यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं पूरा लिड इसका रिमूव कर रही हूँ अदरवाइज़ पूरा नहीं रिमूव किया जाता ठीक है सो ये जो है वो सेंटर में मैंने इसका क्रिस्टलाइज uh, जो भी मेरा प्रोडक्ट था उसको मैंने रखा है और इस तरह से आपका ये जो वैक्यूम डेजिकेटर होता है इसको आप लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग के पर्पज़ के लिए इसमें आपको एक चीज़ में दिखाऊँगी अभी कि आप अगर इसमें देखें तो बिल्कुल एंड पर आ, कोई ड्राइंग एजेंट मैंने यूज़ किया है ठीक है सो वो ड्राइंग एजेंट केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा उस ड्राइंग एजेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है उसके एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है उस डेजिकेटर के अंदर उन क्रिस्टल्स में तो वो उसको एबजॉर्ब कर लेगा ठीक है सो so, ये चीज़ जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है अब ना हो ड्राइंग एजेंट्स जो यूज़ हम उसमें करते हैं वो कौन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिलिका बीड्स हैं सिलिका जेल हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड है फॉसफोरस पेंटॉक्साइड है ये क्वेश्चन भी बहुत आता है अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जो प्रॉपर तरीका है लिड रिमूव करने का वो ये है कि आपने स्लाइड करनी होती है लिड आप पूरी की पूरी रिमूव नहीं करते हैं ये देख रहे हैं ना आपने उसके ऊपर जस्ट स्लाइड करनी है लिड थोड़ी सी आप स्लाइड करते हैं लिड को और जो भी अपना प्रोडक्ट है को बिल्कुल साइड से जल्दी से रख के लिड को फ़ौरन कवर कर देते हैं ठीक है so, सो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने लिड पूरी की पूरी रिमूव की है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मैंने लिड के ऊपर रखा सॉरी डिस्क के एक डिस्क सी पड़ी हुई है जिसमें होल्स हैं उन होल्स में से जो मॉइस्चर है वो नीचे जो सिलिका बीड्स हैं वो अब्बॉर्ब कर देगा तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है क्रिस्टलाइज इस प्रोडक्ट इसको मैं रिमूव करके आपको नीचे से दिखाती हूँ ठीक है ये कॉपर सल्फेट था क्रूड प्रोडक्ट था बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रफ़ फॉर्म में था इसको मैंने यहाँ पे क्रिस्टलाइज करके ड्राई होने के लिए बच्चों के लिए स्ट्रेस के लिए जैसे किया था और ये जो है एक डिस्क सी है जो इसके ऊपर लूजली फ़िट है बहुत टाइटली फिट नहीं है ठीक है ये आराम से रिमूव भी हो जाती है ठीक है इस तरह से हम इसको उठा कर रिमूव कर लेते हैं राइट right और इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिलीका जेल या सिलीका बीड्स अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मेडिसन्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए थे सिलिका जेल ल के होते हैं एस आई ओ टू ठीक है सो उसके होते हैं तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये उसके मैंने नीचे स्प्रेड कर दिए उसके बाद अगेन ऊपर डिस्क रखी है उसके ऊपर जो है वो मैं अपना जो भी क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट है मैंने आप वीडियो के स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया प्रेशियस क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट प्रेशियस इसलिए क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस करने के बाद उसका सेचूरेटेड सोलूशन बनाने के बाद आप क्रिस्टल्स आप, आपके पास आते हैं और फिर आप अगर उसको इस तरह से फ़िल्टर पेपर के पे रख के ड्राई करेंगे तो ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसलिए बेहतर है कि आप वॉच ग्लास या चाइना डिश किसी को किसी के ऊपर भी अपने वो क्रिस्टल स्प्रेड करें और प्रॉपर तरीके से उसको डेजिकेटर के अंदर रख के ठीक है आप ये देख सकते हैं कितने फाइन और ड्राई क्रिस्टल्स हमें इसके मिले हैं कॉपर सल्फ़ेट के हर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्रिस्टल अलहदा है और मैं आपको क्रूड प्रोडक्ट भी इसका दिखा दी कि क्रूड में ये किस तरह से था बिल्कुल रफ सा पाउडरी फॉर्म में था लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रिस्टल्स इसके बने हैं और जो है वो इसको मैंने यहाँ पर डिस्क uh, uh, के ऊपर रख दिया और अब मैं इसका लिड कवर करने लगी हूँ और कवर करने के बाद फिर हमने इसको छेड़ना नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे हम आकर देखेंगे तो हमारा ज़बरदस्ता प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा सो दिस इज़ वेरी रिलायबल मेथड वेरी ईजी मेथड जस्ट आपने कोई तैयारी नहीं करनी कुछ भी डेजिकेटेड लैब में पड़े होते हैं उनमें ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल मौजूद होता है थोड़ी अरसे के बाद हम लोग चेंज कर देते हैं इसमें ड्राइंग एजेंट ताकि न्यू जो प्रोडक्ट हम रखें न्यू ब्जॉर्व करने के लिए हमारे पास फ्रेश जो है वो सिलिका बीज या कैल्शियम क्लोराइड मौजूद हो सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा ये एफ एस सी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो सेकेंड चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स उसका ये टॉपिक है सो आई थॉट के इस पर एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए दो तीन क्वेश्चन इससे बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो वट आर द ड्राइंग एजेंट्स यूज इन वैक्यूम डेजिकेटर विच इज़ द बेस्ट एंड रिलायबल मैथड फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स सो so, इस वजह से इस पर मैंने वीडियो बनाई इसमें मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह स्लाइड करना है कवर को ठीक है आपने जस्ट स्लाइड करना है आपने पूरा रिमूव नहीं करना होता जब आप जब भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर रखेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है एफ एस सी की बुक से मेट्रिक की बुक से बी एस सी की बुक से आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर uh, करें अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो मे यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस थैंक यू सो